बड़ी खबर मिल रही है आपको बताते चले। मुंबई के थारावी में मस्जिद विवाद पर अपडेट आया है। अपडेट यह है कि मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने का काम शुरू हुआ है। मस्जिद कमेटी ही तोड़ रही है अवैध निर्माण। महबूब ए सुभानिया मस्जिद पर विवाद हुआ था। आपको बताएं, लंबे वक्त से धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मद्देनजर इसके ऊंचाई वाले फ्लोर्स को तोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे लेकर के बार बार विरोध होता रहा। जैसे ही टीम पहुंचती, यहां पर धारावी के तमाम लोग हजारों की संख्या में आते और विरोध करते। लेकिन इस पे सबसे बड़ा और ताजा अपडेट यह है कि मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही इस अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। धारावी के इस मस्जिद को लेकर के लंबा लगभग हर साल तस्वीर आती है किस तरीके से टीम पहुंचती है और उनका विरोध होता है। लेकिन यहां पर धारावी में मस्जिद विवाद पर ताजा अपडेट यह है कि कमेटी ने ही अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मुंबई में बीते शुक्रवार को धारावी की मस्जिद को लेकर विवाद हो गया था। सुभानिया इस मस्जिद का नाम है और बीएमसी की टीम यहां पर इलीगल हिस्से को तोड़ने पहुंची थी, जिसको लेकर लोगों की तरफ से हंगामा किया गया था। अब फिलहाल मस्जिद कमेटी की तरफ से खुद इस मस्जिद के हिस्से को तोड़ने की जो है शुरुआत कर दी गई है। जो इलीगल हिस्सा है उसका जो तोड़क कार्रवाई है वो खुद मस्जिद कमेटी की तरफ से शुरू की गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये महबूब सुभानिया मस्जिद है जिसको लेकर शनिवार के सुबह विवाद हुआ था। 5000 से ज़्यादा लोग इस पूरे सड़क पर यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में बीएमसी ने नोटिस दिया था मस्जिद को। उनकी तरफ से कहा गया था जो मीनार का हिस्सा है वो अवैध है, इसको लेकर आपको तोड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद मस्जिद की तरफ से एक सप्ताह का वक्त मांगा गया था। और अब जाकर मस्जिद कमेटी जो है वो खुद इस इलीगल हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो करने वाली है, और जिसको लेकर शुरुआत भी कर दी गई है। मस्जिद कमेटी जो है वो कोर्ट भी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई ना हो। और ऐसे में जिस दिन ये पूरा विवाद हुआ था उस दिन सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था, जिसको लेकर 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। और धारावी की मस्जिद के बाहर जिस तरह का हंगामा हुआ उसको देखते हुए पुलिस सुरक्षा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की गई थी। जो फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद का जो ऊपर का हिस्सा है उसको अवैध बताया गया था और उस हिस्से को तोड़ने के लिए बीएमसी की जो टीम है वो शनिवार को सुबह पहुंची थी। लेकिन एक मैसेज वायरल किया गया, उसमें ये कहा गया कि तमाम लोगों को, तमाम समाज को वहाँ पर पहुँचना है ताकि इस अवैध कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन बीएमसी की जो टीम है वो जब पहुंची तो सड़क रोक दी गई। आपको हम तस्वीर टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर लोग मौजूद थे। जो नीचे सड़क है जिसको 90 फीट रोड कहा जाता है, वहाँ पर जो है तमाम जो विशेष समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया था। लेकिन अब जो है खुद मस्जिद कमेटी ने, आप देख सकते हैं कि हरे रंग के पर्दे से घेराव किया है और जो ऊपर का हिस्सा है उसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो कमेटी की तरफ से की जाएगी। कमेटी कोर्ट भी जाएगी, लेकिन फिलहाल एक हफ्ते का जो वक्त है वो मांगा गया था और उसके बाद कहा गया था कि खुद हम इस इलीगल हिस्से को हटाएंगे, जिसकी शुरुआत यहां पर होते हुए दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नमिता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। तो बीएमसी और धारावी के लोगों के बीच ये लंबे वक्त से चली आ रही जो टसल, जो तस्वीरें थी, हो सकता है इसके बाद थम जाए। ABP News, आपको रखे आगे।